पंच तत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, जिसे हम धरती माता कहते हैं। ये धरती धैर्य धारण करती है और इसी पे हमारा समस्त संसार आधारित है, क्योंकि ये धरती ये सहनशील है, इसकी सहनशीलता अपरंपार है। संतान जो भी ठोकर इसे प्रदान करे प्रेम से सहती है और बदले में अमूल्य रत्न प्रदान करती है। संतान यदि हल चलाए तो बदले में उसे अन्न प्रदान करती है। ये है धरती। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देना बिना किसी कामना के। और ये बात समझ जाइए, यदि आप बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ भी देते हैं, यदि ये आप सीख जाते हैं तो आप प्रेम करना सीख गए। और इसीलिए तो धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि माता केवल वो नहीं है जो कोख से जन्म देती है, माता तो वो भी है जो जीवन जीना सिखाती है, जो जीवन जीने का उदाहरण बन जाती है। तो धरती से ये निस्वार्थ भाव सीखिए, निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे।